लालू यादव की पार्टी आरजेडी के ये 6 नेता जो लोकसभा चुनाव में आपको चौंका सकते हैं। राष्ट्रीय जनता दल के संभावित उम्मीदवारों का नाम जानकर हो जाएंगे आप हैरान। आरजेडी में सीटों और उम्मीदवारों को लेकर मंथन का दौर शुरू। लालू तेजस्वी की योद्धा कैसे करेंगे भाजपाइयों को परास्त। 40 सीटों पर कब्जे की रणनीति बनाकर आरजेडी के साथ इंडिया गठबंधन जीत की ओर हुआ अग्रसर। जी हां, बात करेंगे आज राष्ट्रीय जनता दल की। राष्ट्रीय जनता दल जो लालू प्रसाद यादव की पार्टी है, जो बिहार विधानसभा की सबसे बड़ी पार्टी है आरजेडी, अब धीरे धीरे अपने उम्मीदवारों को लेकर चिंतन मनन मंथन के दौर में पहुंच चुका है। जल्द ही आरजेडी के उम्मीदवारों का नाम पब्लिक के सामने आ सकता है। आपको बता दें कि राष्ट्रीय जनता दल इंडिया गठबंधन में शामिल है। जी हां, वही इंडिया गठबंधन जो देश भर में विपक्षी दलों को एकजुट कर रहा है, और विपक्षी दलों की इस एकजुटता ने केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के साथ ही भारतीय जनता पार्टी की नींद हराम करके रख दी है। आज हम बात करेंगे, जिक्र करेंगे राष्ट्रीय जनता दल के उन 6 उम्मीदवारों का जो लोकसभा चुनाव में चौंका सकते हैं। जी हाँ, ये नाम आपको चौंकाने के लिए काफी होंगे, क्योंकि आरजेडी जिस तरीके से अपने उम्मीदवारों को लेकर मंथन कर रहा है, जिस तरीके से जिताऊ उम्मीदवारों को टिकट देने के लिए आरजेडी में चर्चा का दौर शुरू हो चुका है, वैसे में भारतीय जनता पार्टी के साथ ही एनडीए की हवा टाइट होनी तय है। हम आपके साथ जिक्र करते हैं राष्ट्रीय जनता दल के संभावित 6 उम्मीदवारों का। जी हाँ, सबसे पहले हम बात करेंगे बक्सर लोकसभा क्षेत्र से। आपको बता दें कि राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह एक बार फिर से उम्मीदवार हो सकते हैं। जी हाँ, जगदानंद सिंह जो राष्ट्रीय जनता दल के बिहार प्रदेश के अध्यक्ष हैं। हम आपको बता दें कि जगदानंद सिंह 2009 में बक्सर लोकसभा क्षेत्र से सांसद रह चुके हैं। 2014 और 2019 में केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार अश्विनी चौबे के हाथों जगदानंद सिंह को हार का सामना करना पड़ा था। दूसरा नाम है रीतलाल यादव। जी हाँ, रीतलाल यादव एक ऐसा चेहरा, दानापुर से विधायक हैं राष्ट्रीय जनता दल के। विधायक बनने से पूर्व विधान पार्षद यानी कि एमएलसी भी रह चुके हैं रीतलाल यादव। रीतलाल यादव ने दानापुर में भारतीय जनता पार्टी के गढ़ को तोड़ते हुए लालू की लालटेन को जगमगा दिया था, और इस सीट पर लंबे अरसे के बाद रीतलाल यादव यानी कि आरजेडी की जीत हुई थी। अब रीतलाल यादव पाटलिपुत्रा लोकसभा सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। वैसे आप ये कह सकते हैं कि चूंकि ये सीट लालू प्रसाद यादव की बेटी डॉक्टर मीसा भारती की है, तो ऐसे में रीतलाल यादव को ये सीट कैसे मिलेगी। तो आपको बता दें कि मीसा भारती राज्यसभा की सांसद भी हैं, और चूंकि 40 की 40 सीटों को जीतना आरजेडी के साथ इंडिया गठबंधन का लक्ष्य है, लिहाजा रीतलाल यादव को पाटलिपुत्रा सीट दी जा सकती है। तीसरा नाम आता है सरफराज आलम का। जी अब पूर्व केंद्रीय मंत्री तस्लीमुद्दीन के बेटे, सीमांचल की राजनीति में तस्लीमुद्दीन के पकड़ के बारे में किसी को बताने की जरूरत नहीं है। अररिया लोकसभा सीट से सरफराज आलम 2018 के उपचुनाव में जीते थे, जब उनके पिता तस्लीमुद्दीन की मौत हो गई थी, असामयिक निधन हो गया था। उसके बाद सरफराज आलम को राष्ट्रीय जनता दल ने उपचुनाव में उतारा था, और सरफराज आलम इस सीट से जीतने में कामयाब हो गए थे। हालांकि 2019 के लोकसभा चुनाव में सरफराज आलम चुनाव हार गए थे। अब ये उम्मीद जताई जा रही है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में सरफराज आलम एक बार फिर से अररिया लोकसभा सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। और चौथा नाम आता है, ये बड़ा महत्वपूर्ण नाम है, आशा पासवान का। जी हाँ, आशा पासवान राष्ट्रीय जनता दल की नेता नहीं है, लेकिन उनके पति अनिल कुमार साधु राष्ट्रीय जनता दल अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष। आपको बता दें कि आशा पासवान पूर्व केंद्रीय मंत्री और लोजपा के संस्थापक स्वर्गीय राम विलास पासवान की बेटी है। उम्मीद जताई जा रही है कि एनडीए की तरफ से चिराग पासवान हाजीपुर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। तो चिराग पासवान के सामने उनको चुनौती देने के लिए अनिल कुमार साधु की पत्नी आशा पासवान को आरजेडी मैदान में उतार सकती है। और अगर आरजेडी आशा पासवान को मैदान में उतारती है तो विरासत की जंग हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र में तेज हो जाएगी, क्योंकि एक तरफ रामविलास पासवान की विरासत का दावा चिराग पासवान करेंगे, तो चिराग पासवान के सामने उनकी बहन आशा पासवान आरजेडी या इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार के रूप में रामविलास पासवान की विरासत पर अपना दावा ठोंक सकती हैं। अब्दुल बारी सिद्दीकी, ये पांचवा नाम है। अब्दुल बारी सिद्दीकी राष्ट्रीय जनता दल के बड़े अल्पसंख्यक चेहरे हैं, बड़े समाजवादी नेता हैं, पुराने नेता हैं राष्ट्रीय जनता दल और लालू प्रसाद यादव के परिवार के बड़े ही भरोसेमंद हैं। वो मधुबनी लोकसभा सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। आपको बता दें कि अब्दुल बारी सिद्दीकी पहले भी मधुबनी लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ चुके हैं, हालांकि वो चुनाव नहीं जीत पाए।
पिछली बार 2015-2020 में जब बिहार विधानसभा के चुनाव हुए तो अब्दुल बारी सिद्दीकी केवटी सीट से चुनाव लड़े, हालांकि वहां से विधानसभा का चुनाव उन्हें हार जाना पड़ा। इसके बाद नाम आता है सुरेंद्र यादव का। सुरेंद्र यादव जहानाबाद लोकसभा सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। सुरेंद्र यादव को मगध सम्राट के नाम से जाना जाता है। आपको बता दें कि सुरेंद्र यादव कई दफे बेलागंज सीट से विधायक भी रह चुके हैं और आज की तारीख में बिहार की नीतीश कुमार की सरकार में सहकारिता मंत्री हैं। वो पहले भी जहानाबाद सीट से सांसद रह चुके हैं। हालांकि पेच यहां पर फंस सकता है कि जहानाबाद लोकसभा सीट पर फिलहाल जनता दल यूनाइटेड का कब्जा है और जनता दल यूनाइटेड के टिकट पर चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी जहां से पिछली बार निर्वाचित हुए थे, लेकिन सुरेंद्र प्रसाद यादव एक ऐसा चेहरा, एक ऐसा नाम जो काफी कम वोट से लोकसभा का चुनाव हारे थे, तो लिहाजा इन चेहरों पर आरजेडी दांव लगा सकती है। जिन छह चेहरों का हमने नाम बताया है उन पर चर्चा का दौर शुरू है और ये राष्ट्रीय जनता दल के संभावित चेहरे हैं। एक बार फिर से हम इनका नाम आपको बता दें। बक्सर से जगदानंद सिंह, पाटलिपुत्रा लोकसभा सीट से रीतलाल यादव, अररिया से सरफराज आलम, हाजीपुर से आशा पासवान, मधुबनी से अब्दुल बारी सिद्दीकी और जहानाबाद से सुरेंद्र यादव लालू की लालटेन के टिकट पर चुनाव लड़ते हुए आपको दिखाई दे सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे शेयर करिए, अपनी राय जरूर लिखिए। धन्यवाद।